इन दिनों पूरा देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा है, इस बीमारी से लड़ रहा है, तो इसी को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम भी है और लोगों को अभी तक पता नहीं है कि कोरोना वायरस एक्चुअली किस तरह की बीमारी है, कितनी घातक है, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए, क्या कुछ। तो इसी को लेकर अलर्ट राजस्थान न्यूज़ उदयपुर के कुछ डॉक्टर्स से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, जहाँ हम डॉक्टर अरविंदर सिंह से बात करेंगे। सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये बीमारी है, कितनी घातक ये बीमारी है। ये जो बीमारी है जिसका नाम है, जिससे अभी पूरा देश जूझ रहा है, जिसको हम COVID-19 कहते हैं। तो कोविड वर्ड कहाँ से आया पहले ये बता देता हूँ। ये बना हुआ है COVID। CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस एंड D स्टैंड्स फॉर डिजीज। सो कोविड, और कब आया था ये, 19 में, तो COVID-19। तो ये जो वायरस है, ये वायरस है RNA टाइप का वायरस। दो तरह के वायरस होते हैं, एक DNA टाइप का होता है और एक RNA टाइप का होता है। तो ये RNA का वायरस है। जहाँ तक रही आपका जो क्वेश्चन था कि बीमारी कितनी घातक है, ये डर बहुत है लोगों के अंदर। इतनी घातक ये है नहीं, क्योंकि इसमें 86% लोग तो ऐसे हैं जिनको ये बीमारी होगी और उनको पता भी नहीं चलेगा और वो ठीक हो जाएंगे। बाकी के जो 16% बचे, उसमें से भी हार्डली 1% का मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब आगे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। तो पहली मेरी अपील आपसे ये है कि घबराए नहीं। इसमें किन लोगों को ज़्यादा खतरा है? जो लोग ओल्ड एज में हैं, जिन लोगों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता जिनकी कंप्रोमाइज्ड है, उनको खतरा ज़्यादा है। मान लीजिए पहले से कोई किडनी डिजीज़ है, या मान लीजिए कि पहले से कोई वो चल रहा है अपने को, जो बोलते हैं डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ भी हर एक डायबिटीज़ वाले को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा डायबिटीज़ जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो इन लोगों को तकलीफ़ है। बाकी प्रिकॉशंस रखिए। अब प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं, जैसा कि आप बहुत समय से आप सुन ही रहे हैं। तो पहला प्रिकॉशन ये है कि बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट ना करें। तो ऐसे जो डायबिटीज़ वाले हैं, जिनकी डायबिटीज़ बिगड़ी हुई है, कंट्रोल में नहीं है, उन लोगों को खतरा ज़्यादा है। जो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि HIV पॉजिटिव हैं या वायरस डिजीजेज उनको होने की संभावना पहले से भी होती थी, वो लोग ज़्यादा प्रोन हैं। तो समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। इस वायरस के अंदर जो कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि वायरस तो ख़राब ही होता है, उसके अंदर अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए ना। तो जो अच्छी बात है, जो सबसे बढ़िया बात है इसके अंदर, कि इसका साइज़ बड़ा है। जब इसका साइज़ बड़ा है तो सिंपल जो मास्क आते हैं ना, उससे भी इसका ट्रांसमिशन रुक जाता है। इसके पहले जो वायरस आए थे जो ज़्यादा घातक थे, तो वो नॉर्मल मास्क से रुकते नहीं थे। दूसरी इसके अंदर जो बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत जल्दी मर जाता है अल्कोहल के टच में आते ही। तो बड़े अच्छे अच्छे माउथ वॉश अवेलेबल हैं जो कि अल्कोहल बेस्ड हैं, और हाथ धोने के लिए भी बहुत अच्छे सैनिटाइज़र्स अवेलेबल हैं जो कि अल्कोहल बेस्ड हैं। और नहीं तो अल्कोहल को डाइल्यूट कर लीजिए, एब्सोल्यूट अल्कोहल मिलता है उसको 30% डाइल्यूट कर लीजिए, तो भी बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा। साबुन से हाथ धोते रहें, और पब्लिक गैदरिंग जो है अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि उसमें इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। घर में बैठिए ना, आराम से फैमिली के साथ इंजॉय करिए। बाकी तो हम कहते रहते हैं टाइम नहीं मिलता, तो अब टाइम मिला है ना। अभी तो 22 तारीख को कर्फ्यू भी ऐलान हो गया है, जनता कर्फ्यू। अब जनता कर्फ्यू क्या है कि बाहर कोई पुलिस नहीं बैठी है कि आपको नहीं जाने देगी। हम सेल्फ डिसिप्लिन दिखाएंगे, और उस डिसिप्लिन से हम उस दिन पूरा दिन घर पे रहेंगे। सर, इस बीमारी की पहचान की बात करें तो इसकी पहचान कैसे होगी? मतलब नॉर्मल सर्दी जुखाम ये तो होता ही है, तो अगर किसी को सर्दी जुखाम है तो वो किस तरह से मतलब प्रिकॉशंस ले या क्या कुछ करे? अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो मौसम है ना मार्च का, तो इसमें पॉलन्स काफ़ी होते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों को एलर्जिक कॉफ भी होता है। तो अब वहाँ से डर शुरू होता है कि मुझे ज़रा सा हुआ कि अरे यार कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो ये इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा कि उनको किसी चीज़ से एलर्जी है, पॉलन से या उनसे, तो उनको हर समय इस मौसम में कॉफ होता होगा, तो इसको हम एलर्जिक कॉफ कहते हैं। तो उस कॉफ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़।
दूसरा इसके अंदर जो टिपिकल जो कफ एंड कोल्ड के सिम्टम्स आते हैं वो नहीं आते हैं। तो अगर रनिंग नोज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ है, तो इसका मतलब कोरोना नहीं है। कोरोना का जो सिम्टम है यही इसके अंदर जो घातक है, यही बात है कि इसके ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, है ना। तो इसमें क्या, एक तो जैसे तेज बुखार आएगा, सूखी खांसी होगी, तो जब बुखार आ रहा हो और साथ में खांसी हो तो आपको सस्पिशन अराइज हो जाना चाहिए और उस समय अपने डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलें और उसकी जांच करा लें, क्योंकि बुखार विद कॉफ यहाँ पर प्रॉब्लम है। सर, इस बीमारी के बेसिकली टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ब्लड टेस्ट, या इसके लिए किट क्या होता है, उस किट में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या इसका टेस्ट का प्रोसीजर है? डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है। अभी अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हो चुका है इससे तो एक्सरे चेस्ट में भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर टेस्ट करना है तो ब्लड टेस्ट तो कोई अभी तक इसका आया नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेरिंग्स के पिछले हिस्से, गले के पिछले हिस्से से सैंपल लेना पड़ेगा। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ये आरएनए वायरस है, तो हमें इसका पीसीआर करना पड़ेगा। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, जिसको कि हम मॉलिकुलर टेस्ट भी कहते हैं। तो उस मॉलिकुलर टेस्ट की किट के द्वारा हम पता लगा लेंगे। इसके लिए जो हाई फाई वायरोलॉजी लैब्स हैं वो कर पाएंगी, और अभी ये सरकारी में ही हो रहा है, जिस दिन सरकार प्राइवेट वालों को अलाउ करेगी तो उनके पास भी सुविधा है, वो भी इसको कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल ये खाली गवर्नमेंट के साथ ही हो रहा है, और जो पेशेंट सीरियस हैं या डिजीज़ बढ़ गई है वो हम चेस्ट एक्सरे से भी डायग्नोज कर पाएंगे। सर, अगर बात करें मास्क की, तो मास्क और सैनिटाइज़र ऐसे है, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते या ऐसा कुछ, तो वो किस तरह से अपना ध्यान रखें, वो क्या ऐसा कुछ यूज़ करें कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है, मार्केट से सैनिटाइज़र और मास्क बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, एक जो नॉर्मल साबुन है ना, उसके साथ भी अगर हम उसको अच्छे से ऐसे ऐसे करके पूरा धोकर और थोड़ी देर हाथ रोक लेंगे उसके अंदर, तो उस साबुन से भी वायरस ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक रही मास्क की बात, तो मास्क में ऐसा क्या है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो टिपिकल ऐसा करके मास्क और वैसा वाला आता है वही बांधना है। अपने रुमाल को तीन हिस्से में फ़ोल्ड करिए, बांध लीजिए। फीमेल से अपना चुन्नी लीजिए, उसको 5-6 हिस्से में फ़ोल्ड करिए, बांध लीजिए, जब तक वो मास्क नहीं मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो है वायरस का, जैसे मैं बताया था ना, मैंने साइज़ बड़ा है तो वो परेशान नहीं करेगा, छोटे सिंपल फिल्ट्रेशन भी मदद कर देगा इस बात से कि वायरस ना जा पाए। और नहीं तो घर पे एक कपड़े का वो ले आइए और आराम से उसको बीच में से काटिए और इधर लगाइए उधर लगाइए, चार तनी लगाइए और बांधा और हो गया। सर, तो ये जो बहुत हाइप क्रिएट हो रहा है, जो लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं, ब्लैक मार्केटर से ब्लैकमेल हो रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बड़े आराम से होममेड सॉल्यूशन से आप अपने को बचा सकते हैं। सर, जैसे जैसे ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है, लोग इसको लेके काफ़ी सारी फेक न्यूज़ रूमर्स भी फैला रहे हैं कि इसे धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है कि इस धर्म के इंसान को ये बीमारी नहीं होगी या ऐसा कुछ, तो उसको लेके आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि ये बीमारी कैसी है और इसका धर्म से कुछ लेना देना? वो तो कहते हैं ना, जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि का होए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई धर्म वर्म से इसका मतलब नहीं है। धर्म इसमें क्या करेगा, हर एक का फेरिंग्स एक जैसा, हर एक का खून एक जैसा, हर एक की स्ट्रक्चर एक जैसी, तो किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। वायरस बिल्कुल सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष वायरस है ये, तो ये किसी भी धर्म को देखे बिना अटैक करेगा। तो इसलिए हर एक को सुरक्षा की ज़रूरत है, हर एक आदमी को प्रिकॉशन लेना चाहिए, और इस तरह की भ्रांतियों में तो बिल्कुल दिमाग लगाए नहीं अपना। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंदर सिंह, जिन्होंने हमसे काफ़ी सारी कोरोना वायरस को लेकर जानकारियां साझा की, और उनका यह भी कहना है कि जनता इस कोरोना वायरस से डरे नहीं, वो भयभीत ना हो और अपना ध्यान, अपने और अपने परिवार का ध्यान वो बड़ी इजीली रख सकते कुछ प्रिकॉशंस के साथ। कैमरा पर्सन कमलेश तेली के साथ पूजा दवे, अलर्ट राजस्थान न्यूज़, उदयपुर।